तो हे गाइस, यू आर वेलकम ऑन द टेकी जॉन। मैं आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि आप अगर किसी के कंटेंट को यूज़ करते हो तो वो आपके साथ क्या कर सकता है। आप किसी के कंटेंट को बिना पूछे उससे यूज़ कर लेते हो और फिर आप उसको क्रेडिट नहीं देते, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, तो ये आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। जैसा कि टेक्निकल मुर्गी ने स्टफ लिस्टिंग्स के जो कंटेंट था उसको चुराया और उनको क्रेडिट भी नहीं दिया और कहते हैं कि हमने एक वीडियो के अंदर ऐसे बात कर ली, तो उसके बारे में आपको सारे बताऊंगा। अगर किसी को टेक्निकल मुर्गी अगर बुरा लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा और मैंने क्यों ये नाम लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल मुर्गी से। तो टेक्निकल मुर्गी का नाम मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता कि टेक्निकल वो है जो भी है बंदा, तो इसीलिए मैंने टेक्निकल मुर्गी की इन्वेंशन कर दी और टेक्निकल मुर्गी की इन्वेंशन यहाँ पे हो चुकी है इस वीडियो के अंदर। और फर्जी गुरुजी के नाम से भी एक इन्वेंशन शाहरुख भाई ने कर दी है, तो उनकी भी ओपिनियन हम आगे दूसरी वीडियो के अंदर लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ कि जो टेक्निकल मुर्गी है अपनी जो अंडा दे रही थी वो अंडा देते देते अपने मालिक को ही धोखा देने लग गई। तो अंडा उसने दिया अपनी टेक्न्यूज के अंदर पोको F2 के लिए। उस अंडे के अंदर से पोको F2 की न्यूज़ तो निकल गई लेकिन वो मुर्गी फंस गई। जब मैं स्टफ लिस्टिंग्स की जो लेटेस्ट टेक न्यूज़ थी टेक स्टफ थी उसके अंदर मैंने देखा, तो उन्होंने बताया कि मेरे नाम पे काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। तो वो जो टेक न्यूज़ थी वो जो दूसरी जो मुर्गी वाली अंडे वाली, तो वो मैं मेरे रिकमेंडेशन के अंदर आ गई, तो मैंने उस पर क्लिक किया और मेरे को पता था वहाँ पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं, तो मैंने उसको खोल ली और पता चल गया कि यहाँ पर उसने कॉपी कर ली है। स्टफ लिस्टिंग्स की अगर आप कॉपी करके क्या चाहते हो, अगर आप उस बंदे को क्रेडिट दे दो, आप सोच के देखो, अगर आप अपना काम कर रहे हो और आपने किसी स्कूल या कोई बॉस ऑफिस के जो भी प्रोजेक्ट है आपने एक असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया और कोई आपका फ्रेंड उसको हैक करके या कैसे भी उसको कॉपी करके सेम का सेम चिपका दे, तो आपके साथ क्या होगा, आप कितना बुरा फील करोगे, सोच के देखो। अगर आपको कुछ भी क्रेडिट नहीं दिया जाता कि मैंने वहाँ से कॉपी किया, या तो आपको भी काफ़ी बुरा लगता है कि मेरे नाम पर कोई और काम करके बैठा है और व्यूज़ छाप रहा है, तो अब सभी को बुरा लगता है। तो इसीलिए स्टफ लिस्टिंग्स ने काफ़ी अच्छे स्वभाव के नेचर के हैं वो, मैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। आप अगर मेरी तरफ से कोई भी एक सब्सक्राइबर जाता है तो अच्छी बात होगी, जाके उनको सब्सक्राइब कर लेना और ट्विटर पे फॉलो कर लेना। उन्होंने जो पोको F2 के बारे में जो न्यूज़ दी उसके अंदर उन्होंने साफ क्लियरली मैंशन कर दिया कि ये पोको F2 है और ये जल्द इंडिया के अंदर सबसे पहले उन्होंने न्यूज़ दी थी पोको F2 आ रहा है और कन्फर्म करके बताया। जब तक कि कंपनी ने कोई कन्फर्मेशन नहीं दी थी उससे पहले उन्होंने बता दिया कि पोको F2 डेफिनेटली 100% आएगा। तो उस बंदे ने जब अपनी टेक न्यूज़ के अंदर मेंशन किया मुर्गी ने अंडा देने वाली ने, तो उसने अंडे के साथ कुछ गलत काम भी कर दिया कि जो स्टफ लिस्टिंग से मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ उसके अंदर से उसने एडिट कर दी और एडिट करके कुछ इस टाइप से आपको दिखा दी और आपने सोचा कि ये मुर्गी ने इन्वेंशन करके आपके लिए पोको F2 की न्यूज़ एक्सटर्नली लेके आए हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, उस मुर्गी ने कोई भी कहीं पे भी खोज रिसर्च कुछ भी नहीं किया। ट्विटर पे कोई दूसरे नाम से कोई आईडी होगी और वहाँ से वो कॉपी करता है सभी की और उतना उतना क्रॉप करता है और आपको चिपका के मिलियंस ऑफ व्यूज़ छाप के ले जाता है सभी के नाम से। तो आप उस वीडियो को जाके डिसलाइक कर सकते हो, अभी वो अवेलेबल है। और बात रही स्टफ लिस्टिंग्स की, तो वो जल्दी से किसी को स्ट्राइक नहीं देते, लेकिन शायद इस बार उन्होंने उसको स्ट्राइक दे दी है। और स्ट्राइक दे दी है तो अब उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट नाम हम ले नहीं सकते क्योंकि उसके पास भी राइट्स है अपने कुछ भी करने का। तो ये स्टफ लिस्टिंग्स ने कुछ ऐसे कदम उठाए उस बात पे। लेकिन जो हम किसी के कंटेंट को चोरी करते हैं तो चोरी करने की बात अलग होती है, और किसी के कंटेंट को दिखा के आप उसके नाम पर व्यूज़ छाप रहे हो लेकिन उसके बारे में कुछ मैंशन वीडियो के अंदर बोला भी नहीं कि मैंने स्टफ लिस्टिंग्स से लिया है, उसके अंदर उतना कट कर दिया, क्रॉप कर दिया, उसका नाम ही क्रॉप कर दिया स्टफ लिस्टिंग्स का, मुकुल शर्मा का, तो आप कैसे उसका कंटेंट यूज़ कर सकते हो? अगला आपको स्ट्राइक दे सकता है, 100% दे सकता है। तो ये कुछ बात थी। और आपको पता हुआ टेक्नो रुएज, जो रुएज भाई है, उन्होंने भी वीडियो यूज़ की थी स्टफ लिस्टिंग्स की, लेकिन उन्होंने क्लियरली हर बार वो बोलते हैं, जो अरुण प्रभु देसाई है वो भी अपनी वीडियो के अंदर क्लियरली बता देते हैं कि ये इस बंदे की मैंने ली है, और वो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देते हैं और टेक्नो रुएज क्लियरली मेंशन करते हैं कि जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ऑथेंटिक लीक्स देते हैं और ऐसे वैसे। तो मैंने भी वहीं से जाके सब्सक्राइब किया था स्टफ लिस्टिंग्स को। तो ये वीडियो के अंदर मेरा क्लियरली यही बताना था कि आप किसी कंटेंट को बिना उसकी परमिशन के कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक के बटन है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
क्योंकि अभी मैं, अगर आप कहते हो नीचे कमेंट करके मुझे बता दो कि अगर आपको इसी टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स के जो ओपिनियन है इसके बारे में, तो उस पर भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा और आपको मैं एक एक मिनट की क्लिप के साथ सभी के ओपिनियन आपको शेयर करूँगा। तो और जो वो फैंस लोग होते हैं तो वो कृपया इस वीडियो से दूर रहें और कमेंट सेक्शन की तरफ जाना भी मत, क्योंकि अगर आपको अभी तक सच्चाई का पता नहीं है तो वीडियो में फिर आप क्या कर रहे थे यहाँ पे।